कि आपको पता है आपकी वीडियो भी मेरे पास है। सोचे वो कितनी गंदी औरत है। सबसे गुजारिश है कि अपने लिए निकले, अपने आने वाले। ये हुआ भाई कि खान साहब कहीं अगर दोबारा पावर में आ गए तो इनकी बैंड बाजा बरात सब बजा के जाएंगे। इसका नया नाम आया है फ्रैंक पैन नानी, तो कोशिश करते हैं उनको बंद किया कर दिया जाता है। पैमरा की तरफ से नोटिस दे दिया जाता है, सारी अटेंड खुद की है और ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर चेक करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब कंपेन स्टार्ट हो रही है, बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें इलेक्शन का ये हर हद तक गिरेंगे। ये खान साहब को उनको 16,000 में ग्रोसरी आज आती थी, वो आज 30,000 में आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद दवान और आप देख रहे हैं नादिया खटक टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ जमान पार्क में। आज की जो सूरत हाल देखी आपने, कल जैसे पुलिस आई थी, अभी भी कारकुनान बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा। अभी जानते हैं कि इलेक्शन की भी कम्पेन करनी है, तो खान साहब क्या इलेक्शन के लिए निकलेंगे, कम्पेन के लिए निकलेंगे? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। जैसे खान साहब ने बोला कि हफ्ते वाले दिन ना वो खुद जो है ना इलेक्शन की कम्पेन स्टार्ट करेंगे, तो क्या लगता है कल जैसे पुलिस आई है, अब वो निकलेंगे या नहीं? बिल्कुल निकलेंगे जी, खान साहब बहादुर हैं, वो कभी भी आपको पता है पीछे तो वो बैठते नहीं, हमेशा उन्होंने माशाल्लाह अपनी पेशियाँ भी सारी अटेंड खुद की हैं और ना रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं वो। इंशाल्लाह ताला उनके साथ निकलेगी उनकी आवाम, जैसे बड़ी तादाद में निकलती है। कंपेन स्टार्ट हो रही है, बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें इलेक्शन का टाइम मिला, डेट मिल गई। अब ये है कि अब पाकिस्तान का काम बनता है कि पाकिस्तान के लोगों का काम बनता है कि अपना वज़ीर आज़म डिसाइड करें, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि कौन है। अभी भी हम खान साहब को ही अपना वज़ीर आज़म मानते हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो पावर में आएंगे और इन सब की बैंड बजेगी जो गद्दार है। अच्छा मुझे बताइए, खान साहब ने तो इनको माफ़ भी कर दिया जिन्होंने खान साहब पे अटैक किया था, तो कल जैसे फिर पुलिस आ गई, क्या आप लोग उनको माफ़ करेंगे? देखें, हमने तो पहला वाला अटैक भी माफ़ नहीं किया, खान साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने माफ़ कर दिया। और पुलिस अटैक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आपको पता है ये फीड किया जा रहा है पीछे से, और आपको ये भी पता है कि कौन फीड कर रहा है, और जो चैनल्स इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनको बंद किया कर दिया जाता है, पैमरा की तरफ से नोटिस दे दिया जाता है, जैसा कि ARY न्यूज़। सो ये चीज़ें हैं। कल अगर मैं ये बस ये क्लियर करूँगी कि जो खान साहब है ना, उनका विज़न बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हम जिस तरह हमारी इकोनॉमी देख लें, हर चीज़ महंगी है। आप यकीन करें, आज ग्रॉसरी करके आए हैं, जो हमारा 16,000 में ग्रॉसरी आज आती थी वो आज 30,000 में आ रही है। इतने रेट बढ़ चुके हैं। अभी नॉर्मल चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, लोकल, अभी हमारी जो एक्सपोर्ट चीज़ उसको मैं भी गिन नहीं रही जो हमारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोकल आम आटा, दालें, रोटी, इस तरह दालें, जो मसाले, इन चीज़ों को मैं सिर्फ काउंट कर रही हूँ, तो इतना एक्सपेंस हो गया। तो सोचें, हम मिडिल क्लास तबके के लिए इतना मुश्किल है सर्वाइव करना, तो जो आम है बेचारी, वो कैसे गुजारा कर रही हूँ। अच्छा मरियम नवाज़ ने 9 माह पहले जो ना महंगाई मार्च किया था, अभी फिर मार्च आ गया, महंगाई तो डबल हो गई है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, उनका मार्च भी झूठा उनकी तरह ही है, उनकी सर्जरी मास्टर उसको हम बोलते हैं, आजकल उसका नया नाम आया है फ्रैंक पैन नानी, तो वो हमेशा से ही झूठ बोलती आई है। अच्छा, जेल भरो तहरीक में जो ना काफ़ी लोगों के जो ना गिले शिकवे रहे हैं, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी ये जो फीमेल है उनकी तरफ से कोई गिला शिकवा है जेल पर? जैसे मरियम नवाज कह रही थी मुझे फ्राई पैन नहीं मिला, कपड़े से इस्त्री करने के लिए इस्त्री नहीं मिली, आप क्या बोलेंगे इसका? ये सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। क्या मैम वो मतलब कि इतनी बड़ी वो जिस तरह पैसा चोरी किया, क्या वो खुद कपड़े इस्त्री करेंगी? आपने आंसर खुद ही दे दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे चेक करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसकी लेम एक्सक्यूज़ उसकी तरह ही है, लेम जैसे कि वो खुद है, और जैसे कि वो बकवास करती रहती है। तुम अगर इतनी तुम मासूम बोली थी, अब जैसे उसने कल बकवास की कि हमारे लीडर को बुरखा पहन के बैठा हुआ है, वो खान साहब बुरखा पहन के बैठे हुए हैं, उनको अलमारी वगैरह कबड़ वगैरह में चेक कर लो, तो तुम्हारा जो बाप बाहर मार्का मारने गया लंदन में, मैं उसके ऊपर देखना चाहूंगी कि वो क्या कर रहा है, क्यों क्या गुल खिला रहा है बाहर, वो भी तो डर के भागा हुआ है। हमारा लीडर तो फिर भी पेशियां अटेंड कर रहा है, इस जख्मी हालत में भी, जख्मी शेर है भी, घायल शेर है, और सोचो वो रिकवर हो, शेर ज्यादा खतरनाक होता है, बिल्कुल होता है, और डर खत्म हो चुका है। और उनके सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी वजह से, आज खान साहब की वजह से अवाम में डर खत्म हो चुका है, जिसका इनको खौफ है। कभी ये कहते हैं खवातीन पर सवालात उठाते हैं कि खवातीन के पीछे छुपा हुआ है, तो हाँ, खान साहब खवातीन के पीछे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम खवातीन, हम माएँ, हम बहनें उनको प्रोटेक्ट करेंगी हर हाल में। अच्छा मुझे बताएं, कल एक ना नून लीग के एक वर्कर ने ना एक तस्वीर शाया की थी, शायद आपने भी देखा ट्विटर के ऊपर,
हमजा शबाज जो है ना वो सीढ़ी क्रॉस कर रहा है और उन्होंने लिखा ये था कि खान साहब भाग रहे हैं। हाँ, वो अपनी बैंड, वो कहते हैं ना अपनी बैंड खुद ही बजा देना उस पे, वो मेरे पास भी आई थी लेकिन उस पे क्या कमेंट करें क्योंकि वो उनका अपना लीडर ही, पटवारियों का लीडर ही ऐसे भाग रहा था, तो अब क्या कर सकते हैं उस पे। तो वो हमारा लीडर ऐसे ना भागता है, ना कभी वो रुकता है, ना कभी वो झुकता है, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, पैमरा ने जो खान साहब पे पाबंदियां लगाई हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाबंदियां लगाने से कुछ नहीं होता, आपने लगा दी तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल टीवी देखता कौन है? मैं तो नहीं देखती। आप पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही कर रही हो, क्या पता था आपको कि ये ऐसा करेंगे? ये हर हद तक गिरेंगे ये खान साहब को, यू नो उनको नीचे गिराने के लिए ये हर हद पार करेंगे और हम आवाम ऑलरेडी मेंटली तैयार हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो लीक्स करती है वो नानी बैठी हुई है, मैं हैरान थी कि वो उनकी कन्वेंशन हुई है और उस औरत ने ये बोला, एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया मैम कि पता नहीं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और उसने मरियम नवाज ने आगे से जवाब दिया कि आपको पता है आपकी वीडियो भी मेरे पास है। सोचे वो कितनी गंदी औरत है, यानी वो हर एक की वीडियो है उसके पास। तो अकल कहेगी आप अगर कोई उसके खिलाफ क्वेश्चन करेंगे, आपको बोलेंगी, मुझे बोलेंगी, हम सबको बोलेंगी, तो इससे कुछ नहीं होता। आवाम को सब पता है कि कौन कितने पानी में है और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब दोबारा पावर में आएंगे। इनको मसला ये हुआ है कि खान साहब कहीं अगर दोबारा पावर में आ गए तो इनकी बैंड बाजा बरात सब बजा के जाएंगे, जो इनको डर पड़ रहा है, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं खान साहब को ये कहूँगी कि खान साहब को मैं मैसेज दूँगी कि खान साहब इनको अवामी कटहरे में लाया जाए, इनका अंजाम जो है इबरतनाक होना चाहिए, सड़कों पे इन्हें हैंग करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया है, हमारे बच्चों को जिस तरह इन्होंने टॉर्चर किया है, हमारी फैमिलीज़ को जिस तरह टॉर्चर किया है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि सर प्लीज़ जैसे ही आप पावर में आए इन सब की बैंड बजाएं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथ जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर यूट्यूबर्स की बहुत वैल्यू है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब खान साहब दोबारा इंशाल्लाह हुकूमत में आने वाले हैं, क्या यूट्यूबर्स के लिए या जो इस टाइम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनके लिए कोई खान साहब के कोई एक्टिविटी करेंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खान साहब को पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया सबसे इस वक्त जो पावर है ना, जो मरियम भी घबरा रही है, वो सोशल मीडिया ही है खान साहब की। सोशल मीडिया ने जितना कमाल किया है, हर न्यूज़ यूं मिनटों में आती है आपके पास, तो खान साहब को ये सब पता है। इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे तो ये लंगर खाने भी खुलेंगे, पनाहगाहें भी खुलेंगी, सेहत कार्ड भी होगा और हमारे लिए भी कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि लीडर है वो सबकी सोचता है। सोचे उन्होंने एक अपने जलसे में बोला, मैं सोशल मीडिया का स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। आजकल तो हर कोई रिपोर्टर है, आप रिपोर्टर है, जिसके पास कैमरा मोबाइल है ना वो रिपोर्टर है, तो बिल्कुल करेंगे खान साहब इंशाल्लाह ताला। बस खान साहब दुआ करें कि जल्दी से आ जाए और ये मुल्क दोबारा एक अच्छी जो है राह पे, नेक राह पे गामजन हो जाए। बस लास्ट में कोई पैगाम देना चाहिए आप देखने वालों को 30 अप्रैल के हवाले से? यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ निकलें, खान साहब के लिए निकलें। अवाम अभी, अवाम जिस तरह अभी भी माशाल्लाह प्रोटेक्ट कर रही है, जो सपोर्टर है स्पेशली जो कहते हैं हम वोट डालेंगे, मैं उनको बोलूँगी हम लोग तो निकले हैं, वो सपोर्टर्स भी निकलें अपनी खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, वोट डालेंगे बिल्कुल डालें, लेकिन सपोर्ट आप लोगों की अभी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े होना है, अगर हमें इस करप्ट निज़ाम से कहते हैं ना पीछा छुड़ाना है, इन गद्दारों से पीछा छुड़ाना है, तो प्लीज़ निकलें इमरान खान के लिए और खान साहब का साथ दें, वोट भी डालें और सपोर्ट भी करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच सर। जी, अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो है वो टाइगर्स हैं, इनका यही कहना है कि हम खान साहब के लिए निकलेंगे और 30 अप्रैल को सबसे गुजारिश है कि अपने लिए निकलें, अपने आने वाले मुस्तकबिल के निकलें और अपने बच्चों के लिए निकलें। इंशाल्लाह सांसों ने दी इजाज़त तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।